वो 40 के बारे में बोला है। 50 नहीं, फिर झूठ बोलता बोला मेरे सामने बोला ही। वो 40 के बारे में बोला है। 50 नहीं, फिर झूठ बोलता बोला मेरे सामने बोला ही। ठीक है, उसको और हम करके दे दें। उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप जानते हैं आप जो हिसाब आपने पहला बार काम। अच्छा, इसको रख लीजिए ना, हम आपको एक बार लेंगे। बिहार के सरकारी विभाग में कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा से जो अपोजिशन है वो उठाता रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर के पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्रवाई भी की थी और ये मामला NMCH का था, लेकिन अब एक नया भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और ये पूरा मामला किशनगंज के सिविल सर्जन कार्यालय से सामने आया है। आप देखिए किस तरह से जो वीडियो है उसमें सारी चीज़ें कैद कर ली गई है और किशनगंज में पदस्थापित वरीय लिपिक स्थापना सिविल सर्जन कार्यालय किशनगंज में उमेश चौधरी हैं, जो सदर अस्पताल में किशनगंज में ही कम से कम 10 सालों से पदस्थापित है, जबकि नियम ये कहता है कि 3 साल के बाद ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वो 10 सालों से वहाँ पदस्थापित है और उन्होंने नर्सिंग होम अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी एक्सरे लाइसेंस के लिए एक व्यक्ति से 50,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। जो व्यक्ति लाइसेंस की मांग कर रहा है उसका नाम आसिफ है और वो किशनगंज के पौआ खाली का रहने वाला है और वो एक्सरे के लिए सिविल सर्जन के कार्यालय पहुंचा था लाइसेंस लेने के लिए, लेकिन इस दौरान जो वहाँ वरीय लिपिक हैं उमेश चौधरी, वो उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से 50,000 रुपया तय होने की बात की जा रही है और उमेश चौधरी कह रहे हैं कि नहीं, 40,000 रुपया मैं नहीं लूँगा, आप थोड़ा देर बाद ही दें, लेकिन मुझे 40,000 नहीं बल्कि पूरा 50,000 रुपया चाहिए। इस दौरान जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है वो आसिफ को फिर अंदर बुलाता है और उससे इस बात की जांच करता है सत्यता की कि 50,000 रुपये की बात हुई थी या 40,000 की बात हुई थी। ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रहा है और इस मामले में सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार है वो खुल करके सामने आया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहाँ उस इलाके में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उमेश चौधरी हमेशा से इस तरह की डिमांड करते रहे हैं और वो 3 साल नहीं बल्कि 10 सालों से एक ही जगह पर पदस्थापित है, उनका ट्रांसफ़र अब तक नहीं किया गया है और उन्होंने आसिफ नामक व्यक्ति से 50,000 रुपये की मांग की है, यानी एक्सरे का लाइसेंस देने के लिए सिविल सर्जन के कार्यालय से यह लाइसेंस निर्गत किया जाता है। इन मामलों को लेकर के उमेश चौधरी से लोग बात कर रहे हैं और उमेश चौधरी का कहना है कि 50,000 रुपया घूस देने की बात हुई थी, इसलिए 40,000 रुपया मैं नहीं लूँगा, आपको 50,000 रुपया देना होगा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सिविल सर्जन के कार्यालय में जो वरीय लिपिक हैं उमेश चौधरी, वो 10 साल से कैसे स्थापित है, और उसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि खुलेआम इस तरह से घूस लिया जा रहा है, यानी एक्सरे का लाइसेंस निर्गत करने के लिए 50,000 रुपये एक व्यक्ति से लिया जा रहा है और 40,000 अगर वो देने की बात करता है तो उससे कहा जाता है कि नहीं, आपको 50,000 रुपये मिला करके देने होंगे, यानी पूरा 10,000 रुपये आपको 40,000 में इंक्लूड करना होगा और उसके बाद ही हम आपको लाइसेंस देंगे। तो ये पूरा मामला जो है आसिफ नामक व्यक्ति के साथ पेश आया है और उसने बताया भी और सारी चीज़ें कही है कि एक्सरे का लाइसेंस लेने के लिए हमने सिविल सर्जन कार्यालय से संपर्क किया था, जहाँ उमेश चौधरी जो सिविल सर्जन कार्यालय में वरीय लिपिक अधिकारी हैं और उन्होंने लाइसेंस निर्गत करने के लिए हमसे 50,000 रुपये की मांग की है। अब देखना यह है कि सरकार ऐसे अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई करती है। ठीक है, उसको और हम करके दे देंगे। अरे उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप जानते हैं आप जो हिसाब आपने पहला बार काम। अच्छा, इसको रख लीजिए ना, हम आपको एक बार लेंगे। कितना बोला है? वो 40 के बारे में बोला है। 50 नहीं, फिर झूठ बोलता बोला मेरे सामने बोला। कितना बोले थे? 50 के बारे में है। अच्छा, मिला जुला के हम और करके दे रहे हम ला के दे बार, एक बार दीजिएगा, ऑफिसर लोग बात को समझिए ना, हम एक बार ले लेंगे, आप करके ना, कुछ चिंता नहीं कीजिए। ये तो सब करवा दीजिए, कर तो दी उसके सामने तो बना दिए थे चिट्ठी। हाँ, साइन बाकी है तो साइन कराएंगे, अभी मीटिंग हो रही है, राजपाल समिति पटना से आदमी बैठा हुआ है, वो भारतीय हॉस्पिटल का अभी निरीक्षण किया है, अभी उसका डिस्कशन होगा, रिपोर्ट बनेगा, वहाँ साहब अब निकलेंगे, वहाँ DM साहब वहाँ से करके जाएंगे तब।